So today I will explain some adjustment entry from the chapter journal. So first adjustment entry is that closing stock. You know about the closing stock which remain at the end of there is called closing stock. साल की जैसे कि कोई भी फर्म होती है, फर्म में जितने भी स्टॉक्स होते हैं गुड्स के, कई बार क्या होते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद भी कुछ स्टॉक रिमेनिंग रह जाता है या बचा हुआ रह जाता है, तो उस स्टॉक को क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो जब भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको नॉर्मली हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर वो स्टेटमेंट से बाहर गिवन होगा. ठीक है, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक. जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में. ठीक है, इन क्रेडिट साइड. तो आपको जब भी उसको ट्रांसफर एंट्री करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्लोजिंग स्टॉक को जब भी ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या करनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, तो उसमें सबसे पहला अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आपको शो करना होता है क्लोजिंग स्टॉक. तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की ट्रांसफर एंट्री करने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या जनरल एंट्री करनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, बीइंग बिकॉज अब नॉर्मली क्या होता है कि हम हर साल फाइनेंशियल, पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है आपका कितने ईयर का होता है, वन ईयर का होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो वन ईयर का होता है. ठीक है, उस वो जो स्टार्ट होता है या तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा. ठीक है, या आपको होगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. नॉर्मली आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है या बिजनेस में अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के टाइम पीरियड के बीच में की जाती है. तो जो भी गुड्स, जैसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, साल के बीच में कितना परचेज किया गया, फर्म ने कितना गुड्स को परचेज किया, वो क्या कहलाएगा, उसका स्टॉक. ठीक है, तो वो स्टॉक साल के एंड में कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है. ठीक है, जो भी फाइनेंशियल, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 31 मार्च, साल के एंड तक कुछ जो स्टॉक था वो कैसा रह गया, अनसोल्ड. ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो अनसोल्ड स्टॉक एट द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो भी अनसोल्ड स्टॉक था अगले साल, जो कि जैसे हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 31 मार्च, हम मान लेते हैं 2019 to 2020 का सेशन था ये. ठीक है, तो 2020 को 31 मार्च में जो भी रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर जो कि 2020 to 2021 होगा, उसका क्या स्टॉक बन जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक. लेकिन ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को बाद में ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में. तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा तो आपको उसको लेना है डेबिट साइड, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो उसे आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज हम ट्रांसफर कर रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ही कहाँ आता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. ठीक है, तो साल के अंत में बचा हुआ जो स्टॉक होता है अनसोल्ड स्टॉक, उसे क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक. इसी स्टॉक की यहाँ पे बात हो रही है और इसी एंट्री को आपको कैसे ट्रांसफर करना है, आपको एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर, क्योंकि हम इसी सेशन की कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं हम इस सेशन के अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी इसका अनसोल्ड स्टॉक होगा उसको जब ट्रांसफर करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आपको एंट्री क्या करनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर, ये थी आपकी पहली एडजस्टमेंट एंट्री. ठीक है,
अब दूसरा लेके चलते हैं हम, दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री है आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम बेसिक टर्म्स में लर्न कर चुके हैं, बट होता क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सो दोज एक्सपेंसेस विच वर नॉट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ऐसे खर्चे जो फाइनेंशियल ईयर या जो भी अकाउंटिंग ईयर उसमें अभी तक पे नहीं करे गए हैं, तो वो कौन से खर्चे कहलाते हैं आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो दोज एक्सपेंसेस विच वर नॉट पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उन्हें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन सभी जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये सभी टाइप की टर्म्स एक तरीके से इन्हें एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला जाता है, क्योंकि आपको जब भी आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे इन सभी टर्म्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। जब भी आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे तो आपको इन सभी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो ऐसे खर्चे, फर्म के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फर्म अब पे नहीं कर पाती है, तो उन खर्चों को क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या करती है, जैसे नॉर्मली एक्सपेंस हम अगर हम पे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का खर्चा, इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है उसे हम एक तरीके से क्या मान के चलते हैं, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हमेशा ही कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ठीक है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो जैसे, तो इसकी आपको एंट्री क्या करनी है, आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पे नहीं किए जा रहे, तो कैश यहाँ पे कैश का कोई लिंक नहीं है, सिर्फ हम उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कौन से एक्सपेंस है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको इसकी जनरल एंट्री क्या करनी है, जो भी एक्सपेंस है, जिस भी नाम से एक्सपेंस है उसको करना है डेबिट। फॉर एग्जांपल रेंट, अगर रेंट है कोई आउटस्टैंडिंग, तो आप एंट्री क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, रुपीस वेजेस of the financial year 2019-20 is 50,000। ठीक है, ओके, वेजेस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019 and 20 इज 50,000। जो वेजेस है फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की, वो कितनी है, 50,000। ठीक है, तो ये इतनी वेजेस बने, बट रुपीस 5,000 ऑफ वेजेस पेड इन नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ फेब। ठीक है, अब पहली चीज तो एग्जाम्पल क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल to 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हमारे पास जो वेजेस के एक्सपेंस थे, तो जो वेजेस का जो टोटल अमाउंट थी वो 50,000 थी, बट उसमें से जो 5,000 की अमाउंट थी उस वेजेस को हमने नेक्स्ट ईयर फेब में पे किया। ठीक है, वैसे तो हमें हर करंट ईयर का, जो भी हम जिस भी ईयर का का अपना फॉर्मेट बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, उसी साल उसको पे करना होता है, 50,000 के वेजेस से, तो हमें उसी साल उसको पे करना था, बट इस 50,000 में से 5,000 की वेजेस की अमाउंट ऐसी है जिसे हमने नेक्स्ट ईयर फेब वाले मंथ में पे किया है, तो उस कंडीशन में जो ये 5,000 की अमाउंट हो गई वेजेस की, ये क्या बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया। बकाया इस वजह से इसे बोला गया है क्योंकि ये करंट ईयर में ना पे करके नेक्स्ट ईयर पे किया गया है। ठीक है, That's why we count as a outstanding
वेजेस, ठीक है। तो जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कोई भी वेजेस होगा, आपको सैलरी भी मिल सकती है, आपको वेजेस भी एज ए आउटस्टैंडिंग मिल सकते हैं, या फिर आपको रेंट भी आउटस्टैंडिंग, कुछ भी टर्म हो सकती है जो एक्सपेंस रिलेटेड है वो आउटस्टैंडिंग हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको जनरलाइज कैसे करना है, तो यहाँ पे क्योंकि वेजेस है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वेजेस को क्या कर देना है आपको, डेबिट, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, क्या करनी है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब कितनी वेजेस आउटस्टैंडिंग थी, 5000, क्योंकि हमारे पास जो वेजेस आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 5000, तो आपको यही एंट्री करनी है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, अकाउंट वर्ड जरूर यूज करना है, विथ 5000, टोटल 50000। नेक्स्ट टर्म इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। सो व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसे खर्चे जो एडवांस में फॉर्म पे करती है वो कौन से खर्चे कहलाती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, पहले तो मैं जनरल एंट्री एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेटेड एंट्री को हमें जनरलाइज करना होता है तो आपको एंट्री क्या करनी होती है, आपको सबसे पहली चीज़ तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज एन एसेट मान के इसको चला जाता है, ठीक है। तो आपको क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री करने। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसका, ठीक है। ऑन फर्स्ट, ऑन फर्स्ट जुलाई 2019 रुपीस 12000 वॉज पेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31st March, ठीक है। अब एंट्री को पहले समझते हैं कि ऑन 1st July 2019 रुपीज 12000 वॉज पेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने के लिए हमने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है जो कि कितना है, 12000, ठीक है, एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन 31st March, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये समझनी है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे एंड कब हो रहा है, 31st March को, ठीक है। तो 31st March को 1st July से लेके 31st March को अगर मैं काउंट करूँ तो कितने मंथ्स बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बनते हैं हमारे, 9 मंथ्स, ठीक है। और पेमेंट कितने महीने की हुई है, पेमेंट कितने हमारे जो 1st July से 31st March मंथ काउंट हो रहे हैं वो 9, मीन्स टोटल मंथ्स टोटल पेमेंट इज गिवन
फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। टोटल पेमेंट कितने महीने की दी गई है, 12 मंथ्स की, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, मींस एक्स्ट्रा मंथ, एक्स्ट्रा मंथ कितने हो रहे हैं हमारे पास, 12 माइनस 9, 3 मंथ्स, ठीक है। दीज 3 मंथ्स रिलेटेड टू दी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं वो अगले साल से रिलेटेड हैं, ठीक है। और मींस हमें तो करंट ईयर से रिलेटेड ही टर्म लेनी है ना, तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हमें क्या कहना है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 12 मंथ्स पेड 12,000, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1 मंथ पेड 12,000 अपॉन 12, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1 मंथ कितना आएगा आपका, 1,000, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 मंथ्स 1,000 इंटू 3, दैट इज 3,000, मीन्स दीज 3,000 इज एडवांस पे, ठीक है। ये एडवांस पे किए गए, तो आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, आप इंश्योरेंस, अब ये 3,000 जो है वो एडवांस पे किए गए, तो आपको एंट्री क्या करनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को कर देना है डेबिट टू इंश्योरेंस, कितनी अमाउंट से, 3,000, क्योंकि हमने सिर्फ 3,000 का ही एडवांस दिया है, हमें 12,000 से कोई लेना देना नहीं है, वो पिछले साल का था, जो एडवांस था जो अगले साल से रिलेटेड था वो कितना था, 3,000, दैट्स वाई वी टेक ओनली 3,000 इन जनरल एंट्री, ठीक है। सबको समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज एक्रूड इनकम, इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, ठीक है। ऐसी इनकम जो अर्न कर ली गई है बट अभी तक रिसीव, सॉरी अर्न कर ली गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हो, क्या कहलाएगी आपकी, एक्रूड इनकम। तो ऐसे कई बार फर्म को ऐसी इनकम भी होती हैं जो फर्म अर्न तो कर लेती है बट कई बार वो रिसीव नहीं होती, तो उसको भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो एक्रूड इनकम होती है ये भी एक क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है। इसे बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा जाता है डेबिट साइड, ठीक है। अब जनरल एंट्री क्या होती है, आपको जनरल एंट्री क्या करनी है इसकी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है, अकाउंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे, आपको अगर एग्जांपल मान लीजिए रुपीस 2,000 फॉर कमीशन इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, 2,000 फॉर कमीशन इज ड्यू बाकी है और अभी तक रिसीव भी नहीं हुई है, तो इसको आप कैसे, मतलब कि 2,000 रुपये कमीशन के बकाया हैं और अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो आप कैसे एंट्री करोगे, आप लिखोगे एक्रूड कमीशन, अकाउंट को क्या कर दोगे आप, डेबिट टू कमीशन, अकाउंट
अकाउंट विद 2000, ठीक है, क्लियर। ये थी आपकी एंट्री रिगार्डिंग एक्रूड इनकम। अब नेक्स्ट है हमारे पास, और नरेशन तो सबको आती है, क्या हो जाएगी, बीइंग इनकम कमीशन रिसीव ड्यू बट नॉट रिसीव, यही आप लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एडवांस में रिसीव हुई है, या फिर इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी इनकम होती है, इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न आर कॉल्ड अनअर्न इनकम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, अनअर्न इनकम, ठीक है। इनकम विच इज रिसीव बट नॉट अर्नड आर कॉल्ड अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम जो हमने रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक हमने उसे कमाया नहीं है, तो उस इनकम को क्या बोला जाता है, अनअर्न इनकम, ठीक है। तो अनअर्न इनकम एक तरीके से क्या होती है, ये एक तरीके की लायबिलिटी होती है, ठीक है। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये सभी को याद रहेगा, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस इनकम को भी हम कहाँ रखेंगे, लायबिलिटी साइड, ठीक है। कहाँ रखेंगे हम, लायबिलिटी साइड। तो आप एंट्री क्या, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे करोगे आप, जैसे कि जो भी इनकम होगी उसे करना है डेबिट इनकम अकाउंट, ठीक है, टू, या तो लिख सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस, या आप अनअर्न इनकम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इनकम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल है बिल्डिंग, बिल्डिंग हैज बीन गिवन ऑन रेंट, ठीक है, फॉर रुपीज 2,40,000 पर एनम, पर एनम का मीनर होता है पूरे साल के लिए, ठीक है। बट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3,00,000 वॉज रिसीव्ड टूवर्ड्स रेंट, अब ये एंट्री है, एंट्री क्या है, बिल्डिंग हैज बीन गिवन ऑन रेंट, बिल्डिंग रेंट पे गिवन है, दी गई है, और जिसका जो किराया है वो कितना है, 2,40,000 पर एनम, मीन्स पूरे साल का कितना किराया है, 2,40,000। बट ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर में साल के बीच में रुपीज 3,00,000 वॉज रिसीव टूवर्ड्स रेंट, लेकिन साल के बीच में ही कितना रिसीव हो गया, अब यहाँ पे किराया कितना है, 2,40,000 पूरे साल का, लेकिन 2,40,000 की बजाय हमें कितना रिसीव हुआ है, 3,00,000, ठीक है। इसका देखने से ही पता लग रहा है कि एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 देने हैं, लेकिन 3,00,000 एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो 3,00,000 एक्स्ट्रा मीन्स कितना आ गया एक्स्ट्रा, 60,000, देने कितने थे 2,40,000, लेकिन 3,00,000 दे दिए गए, तो जो 60,000 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। तो आप इसकी जनरल एंट्री करनी है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, रेंट है क्योंकि, तो आपको लिखना है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। ऐसे आपको एंट्री करनी है, और कितनी एडवांस आई है अमाउंट, 60,000 जो कि एक्स्ट्रा आई है हमारे पास, तो आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है।
जो भी अमाउंट हमें एक्स्ट्रा आई है वो कितनी आई है, 60,000, 2,40,000 ही पे करने, लेकिन 3 लाख दे दिए गए, तो 60,000 एक्स्ट्रा है, उसकी आप जर्नल एंट्री करोगे, रेंट को डेबिट करोगे और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि एक लाइबिलिटी होता है, मैंने बताया क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस वाली टर्म को आपको क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। तो 60,000 एंड 60,000, क्लियर सभी को। चलिए अब अगली टर्म है, जो अगली टर्म है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे हमें सभी को पता है, जो भी बिजनेस में पैसा विच अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में जो भी पैसा इसका मालिक लगाता है उसे कैपिटल बोला जाता है, तो उस पर कई बार इंटरेस्ट की भी कंडीशंस होती हैं, तो जब भी इंटरेस्ट पे किया जाता है किसी भी कैपिटल पे, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ये फॉर फर्म इट इज अ लॉस, तो क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री कर रहे हैं, तो क्योंकि फर्म के लिए लॉस है इसलिए इसको क्या करना है आपको, डेबिट इन जर्नल एंट्री, ठीक है। जब भी ठीक है, तो हम आपको एंट्री क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कोड करना है डेबिट टू, क्या करोगे, क्रेडिट कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल पे ही इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को करोगे डेबिट टू कैपिटल। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चार्ज 10% इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन कैपिटल, ठीक है, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, किस पे करना है, कैपिटल पे, ठीक है। तो कैपिटल की अमाउंट मान लेते हैं, कैपिटल ऑन कैपिटल ₹1,00,000, ठीक है। अब एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लोगे आप, उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख पे, 10,000, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। नॉर्मली सबको आता है ना कैलकुलेट, 1 लाख का कितना करोगे आप, 10%, यहाँ कर देते हैं रफली 1 लाख है अमाउंट, उसका 10% सभी बच्चों को आता होगा निकालना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये जो कि आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है, क्लियर सभी को। अब दूसरी टर्म है हमारे पास, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही फर्म के लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसे डेबिट साइड रखते हैं अपनी जनरल एंट्री में। अब है दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है, मालिक करता है। प्रोप्राइटर अमाउंट विच इज विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग, ठीक है। तो मालिक ने जितना भी पैसा निकाला है अगर उस पर इंटरेस्ट होता है तो ये क्या होता है, इट इज अ प्रॉफिट फॉर फर्म के लिए फायदा होता है, क्योंकि वो जितना भी पैसा मालिक ने फर्म, उसी की फर्म है लेकिन हम उसे एज ए सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं अपने मालिक से, इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को फर्म के लिए प्रॉफिट मान के चला जाता है और इसे हमेशा ही क्रेडिट साइड रखा जाता है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल एंट्री, एंट्री क्या होगी इसकी, जर्नल, इसकी एंट्री होगी आपकी, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए ड्रॉइंग को रखना है डेबिट साइड, ठीक है, टू, क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी डेबिट साइड ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी, इट इज अ प्रॉफिट फॉर फर्म, दैट्स वाई वी क्रेडिटेड इन जनरल एंट्री एंड डेबिटेड ड्रॉइंग अकाउंट। तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट इज 10,000, ठीक है। अब 10,000 पे 10% कितना आएगा, 1,000, तो आपको एंट्री क्या करनी है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 1000 यहाँ पे आ जाएगा, 1000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये थी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सभी को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और टर्म है दैट इज डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिशिएशन। तो मैंने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अमाउंट फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट है अगर उसकी वैल्यू में कुछ भी कमी आती है तो उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन एक कमी को बोला जाता है, तो ये भी एक तरीके का लॉस होता है, लॉस फॉर दी फॉर फॉर्म, फॉर्म के लिए क्या होता है? लॉस। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री क्या करनी है आपको? डेप्रिशिएशन अकाउंट को करना है डेबिट टू, किस पे लगाया जा रहा है? जिस भी फिक्स एसेट, जो भी एसेट है, एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है, कौन सी एसेट? फिक्स एसेट, उस पे जो लगाया जाता है डेप्रिशिएशन। तो आपको एंट्री करनी होती है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक चार्ज 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीस 10,000 का फर्नीचर है इसकी कॉस्ट, उस पर 10% डेप्रिशिएशन लगाना है। तो आपको एंट्री क्या करनी है? डेप्रिशिएशन को कर देना है डेबिट, किस पे लगा रहे हैं हम? फिक्स एसेट यहाँ पे कौन सी है? फर्नीचर है। तो आपको एंट्री क्या करनी है? फर्नीचर अकाउंट। अब 10,000 पे 10% कितना आएगा? 1,000 आएगा। तो यहाँ पे आप 1,000 से डेबिट और क्रेडिट कर दोगे। क्लियर। तो ये थी आपकी कुछ एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, जिनको आपको एडजस्ट करना होता है फाइनल अकाउंट्स में और एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक जनरल एंट्री होती हैं और थोड़ा ध्यान से आप लोगों को करनी पड़ेगी। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग ध्यान से करोगे। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनके कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।